वाला में ही है। अस्सलाम वालेकुम हजरत। बच्चे ने हाँ करें। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम। मेरा नाम नवीदुल फतेह। मेरे पास एक सवाल है कि हजरत दुनिया में सबसे पहला जानवर कैसे पैदा हुआ? सबसे पहला जानवर कैसे पैदा हुआ? सबसे पहला जानवर खुदा तआला की तकदीर से मिट्टी से पैदा हुआ, और ये मुहिमा साइंसदान हल नहीं कर सकते, बहुत जोर मारते हैं, मगर ऐसा हैरत अंगेज निज़ाम है कि उस पर अक्ल दंग रह जाती है। वो मादा जो केमिकल इंसान की ज़िंदगी की पैदाइश के लिए ज़रूरी थी, वो सबसे पहले समंदर के पानी में पैदा हुई, मगर उसकी मुश्किल ये थी कि वो पानी में पैदा होती थी और पानी में वापस अपने असल अज्जा की तरफ लौट जाती थी, और वो मादा जो था वो आगे बढ़ ही नहीं सकता था, जो ज़िंदगी के इब्तदाई खुलियों के ज़रिए ज़रूरी है। तो फिर अल्लाह ताला की तकदीर ने एक हैरत अंगेज़ काम दिखाया कि समंदर ने ऐसे मादे को उछाल के बाहर फेंक दिया, और एक जगह पड़ के वो खुश्क हो गया, और वो जो पानी का ख़तरा था कि दोबारा फिर उसको असल अज्जा में तब्दील कर देगा, वो ख़तरा दूर हुआ, और फिर धूप की शिद्दत की वजह से वो जो मिट्टी थी उसकी पानी की फेंकी हुई जगह मिट्टी पे पड़ी थी, जो यानी पानी जो मिट्टी में पड़ गया था मिल गया था, मिट्टी में तहें बन गई, और इतनी तहें बनी कि अक्ल दंग हो जाती है कि कैसे तहें बनी। एक इंच मुरब्बा मिट्टी में गोया एक एकड़ या इससे भी ज़्यादा ज़मीन की तह बन गई, यानी तहों को अलग करके अगर साथ साथ बिछाएं तो इतने बड़े रकबे में फैल जाती है, और उसमें उस मादे ने तरक्की की और इरिवर्सिबल, जिसको रिएक्शन कहते हैं केमिस्ट्री में, इरिवर्सिबल रिएक्शन के नतीजे में एक ऐसा मादा बन गया जिसको समंदर में जब वापस फेंका गया, यानी लहरें उठाई और उसको समेट के वापस ले गईं, तो फिर तरक्की शुरू हो गई, और उसी मादे से फिर सबसे पहले ज़िंदगी का वजूद हुआ है। बाकी ये लंबी कहानी है कि फिर वो सेल्स कैसे बने, किस तरह उस मादे के नतीजे में बिलाखिर क्रोमोसोम्स पैदा हुए, जीन्स पैदा हुई, बहुत मुश्किल मसला है। बहुत ज़ोर मारते हैं साइंसदान, ये कह देते हैं इर्तका 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 तो हुआ, मगर हुआ किस तरीके से? इर्तका से इनकार नहीं, मगर इर्तका कैसे हुआ? जितने भी ये मादे हैं जीन्स वगैरह के या दूसरे मादे, इनकी इर्तकाई शक्ल एक बयान करते हैं, आखिर तक ये तरक्की करते 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 फलां जगह पहुँच गया। लेकिन ताज्जुब की बात है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो ज़िंदगी की बका के लिए है वो क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल का कोई इर्तका साइंसदान पेश नहीं कर सकते। क्लोरोफिल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मादा है, इतना ज़्यादा कि आदमी हैरान रह जाता है। रोशनी के अमल से जितनी चीज़ें भी बनती हैं मादा ज़िंदगी पैदा करने वाली, वो सारी क्लोरोफिल के अमल से बनती, और क्लोरोफिल एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मादा है जो अज़ खुद बन सकता ही नहीं, और उसके कोई इर्तकाई हिस्ट्री नहीं है। वैसे मैंने अपनी किताब रेवोल्यूशन में एक ये चैलेंज भी किया हुआ है साइंसदानों को, आज तक इसका कोई हल तजवीज़ नहीं किया उन्होंने, क्लोरोफिल का इर्तका कैसे हुआ। तो ये ज़िंदगी की का आगाज़ जो है ये बहुत पेचीदा मसला है, मगर सबसे पहले जो ज़िंदगी दिखाई देने लगी है जानवरों की सूरत में, उसको अमीबा कहा जाता है।
यानी ऐसा बैक्टीरिया के अलावा अलावा मैं बात कर रहा हूँ, अमीबा एक ऐसा इब्तदाई जानदार जर्रा है जो जिसमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं थी, यानी जिनसी तरीके पर वो डबल नहीं हो सकता था, और आधा आधा बीज में से काटा जाता था, दो हिस्सों में बढ़ जाता था, और उसके न्यूक्लियस भी दो हिस्सों में चले जाते थे, और वो दोनों हिस्से इंडिपेंडेंट फिर तरक्की करना शुरू कर देते थे। लेकिन एक का वजूद एक वजूद के तौर पर ख़त्म हो जाता था। तो फिर आगे बहुत लंबी तफसील है कि किस तरह खुदा तआला ने उनके अंदर से छोटा मादा, एक छोटा सा ज़र्रा उन्हीं की शक्ल का पैदा करना शुरू किया जो दूसरे के पेट में घुस जाता था और उसमें पल कर फिर वो बड़ा हो जाता था। तो इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आगाज हुआ है, और ये बहुत ही दिलचस्प मामला है और गहरा मामला है। मगर जो कुरान करीम में आता है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें नफ्स वाहिदा से पैदा किया है, ये उससे एक मुराद है कि तुम एक वाहिदा नफ्स की तरह थे, एक ही था, उसमें ना कोई सेक्स थी, ना मेल ना फीमेल, और उसी से ज़िंदगी का आगाज हुआ। फिर रफ्ता रफ्ता खुदा ने फिर जब तुम्हें नर व मादा में तकसीम किया तो उसके बाद फिर इंसान वजूद में आया है। छोटी सी बच्ची है, समझ भी आई है कि नहीं? आ गई है? अच्छा जी।